सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, हिद्वानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के सांड की चर्चा पूरे देश व दुनिया में होने लगी क्योंकि खंडवा के सांड बिगड़ गए थे और ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे उनकी चर्चा पूरे देश व दुनिया में होने लगी। आपको बता दें कि आवारा जानवरों को लेकर खंडवा शहर की जनता बेहद आक्रोशित थी, जिसके पश्चात मामले को मीडिया ने जब दिखाया और यह मामला तूल पकड़ा तब कहीं जाकर नगर निगम की कमिश्नर की नींद खुली। नगर निगम के अधिकारियों की नींद खुलने के बाद सांडों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, आवारा जानवरों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और शहर से आवारा जानवरों को पकड़ पकड़ कर कांजी हाउस छोड़ा जाने लगा। आप देख सकते हैं कांजी हाउस में अब ये सांड एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहले ये खंडवा शहर की रोड पर लड़ रहे थे, कुछ इस तरीके से नगर निगम की ये ग्राउंड जीरो की टीम जो लगातार खंडवा शहर में अतिक्रमण हो चाहे यातायात सुरक्षा सप्ताह के दौरान दुकानदारों का सामान उठाना हो या खंडवा शहर से आवारा जानवरों को पकड़ना हो, ये लोग मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते। असली नगर निगम के जो सुपरस्टार परफॉर्मर हैं वह यही सब लोग हैं जो मेहनत करके आवारा जानवरों को लगातार पकड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें पकड़ कर कांजी हाउस भेज रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब खंडवा शहर से आवारा जानवरों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पिछले कुछ दिन से यह मुहिम लगातार जारी है। खंडवा शहर के लोग अलग अलग जगह की वीडियो बनाकर लगातार भेज रहे थे कि खंडवा शहर में खासकर जो सांड हैं वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, वाहनों को तोड़ रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिसके चलते खंडवा शहर में लोग बेहद आक्रोशित थे। सबसे ज़्यादा विचारणीय प्रश्न ये है कि इतने सांड अचानक खंडवा में आ कहाँ से गए, इतने जानवर अचानक कहाँ से आ गए। अंदर खाने की एक चर्चा ये भी है, जो लोग अंदर खाने में गुपचुप चर्चा कर रहे हैं, चुपचाप खुसर फुसर कर रहे हैं, वो ये खुसर फुसर कर रहे हैं कि खंडवा शहर में जो आसपास की नगर परिषद है वो अपने मोहल्ले के सांड को पकड़ के खंडवा शहर में छोड़ देती है, इसलिए खंडवा शहर में अचानक आवारा जानवरों की बाढ़ आ गई। चाहे कुत्ते पकड़ने हों चाहे जानवर पकड़ने हों, वो नगर परिषद की जो टीम है वो धीरे से अंधेरे में, रात के अंधेरे में या धीरे से दिन के उजाले में चुपचाप आवारा जानवरों को अपने मोहल्ले से लाकर खंडवा मोहल्ले में छोड़ रही है, इस तरह की चर्चा भी चल रही है। हालांकि इस तरह की चर्चाओं का कोई कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता, पर चर्चा तो चर्चा होती है और चर्चा तभी शुरू होती है जब उसमें कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दम होगा। फाइनली खंडवा शहर में चाहे नगर परिषद के आवारा सांड हो चाहे खंडवा शहर के आवारा सांड हो, अब पकड़ने का काम शुरू कर दिया है और इन्हें कांजी हाउस भेजा जा रहा है। Oh!